गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुनीलाल सर क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का लेसन ए लेटर टू गॉड पार्ट 2 का है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि लेंचो किस तरह भगवान को पत्र लिखता है और क्या उसको पत्र का जवाब भी मिलता है या नहीं। आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का पैराग्राफ जो ओरल क्वेश्चन था, ठीक उसके नीचे से स्टार्ट होने वाला है, बट से। आप लोग सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये जो बट है, बट यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। लेखक हमें बताते हैं कि जो उस सिंगल वैली में और सॉलिटरी हाउस में, मतलब अकेले मकान में, सॉलिटरी मतलब अकेला, तो उस अकेले मकान में और घाटी के बीच में जो मकान था, तो उसमें रहने वाले लोगों के हर्ट्स में, दिल में, देयर वॉज ए सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी। और वह उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी गॉड से मदद, गॉड से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। लेंचो अपने परिवार के लोगों को समझा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं उन्हें कि डोंट बी सो अपसेट, कहा इतना भी निराश नहीं होना है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा लगता है कि टोटल लॉस हो चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कहा एक बात याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। और उनके परिवार वालों ने भी लेंचो की बातों का समर्थन किया कि हाँ, भूखा कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। अब कहता है रात भर लेंचो केवल और केवल गॉड से मिलने वाली मदद के बारे में ही सोचता रहा, उसी गॉड की मदद, हुज आईज, जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी उन्हें सिखाया गया था लेंचो को अपने पूर्वजों से, क्या कि गॉड की जो आँखें होती हैं ना, सी एवरीथिंग, वह हर चीज देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहाँ तक कि किसी के दिल की गहराई में, यानी दिल के अंदर क्या है, उसे भी गॉड की आँखें देख लेती हैं। लेंचो वॉज
एन ऑक्स ऑफ ए मैन। यहाँ पर इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये मेटाफर कहलाता है, एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। यहाँ कहा गया लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी लेंचो इंसान होते हुए भी बैल की तरह था, बैल जैसा था। कारण क्या था? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, क्योंकि वह एनिमल की तरह, जानवर की तरह फील्ड्स में, खेतों पर काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड, कहता है परिश्रमी तो था ही लेकिन इसका मतलब अनपढ़ था ऐसा नहीं है, उसे लिखना भी आता था। तथा फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर, अब अगले दिन सुबह होते ही वह पत्र लिखना शुरू करता है, यानी चिट्ठी लिखने लगा हुआ। विच ही वुड हिमसेल्फ, जिसको वह क्या करेगा, वह स्वयं जो है कैरी करेगा, लेकर जाएगा टू टाउन, शहर तक, एंड प्लेस इन द मेल, और ले जा कर के क्या करेगा, उसको मेल में डाल देगा, यानी डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और यह पत्र कहता है लेटर टू गॉड से कुछ कम नहीं था, यानी लेटर टू गॉड ही था सही मायने में, उन्होंने गॉड के नाम ही चिट्ठी लिखी। क्यों? देखिए क्या लिखता है वह, गॉड, वह लिखता है गॉड अर्थात हे ईश्वर, हे परमात्मा, इफ यू डोंट हेल्प मी, क्या लिखा उसने कि इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की या आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट। ध्यान देना माई डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा उसने, गॉड से क्या सहायता मांगी, कहा आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos चाहिए। पीसो मतलब ये करेंसी है किसी देश की, कहाँ की है तो आप देख लें, इधर ब्लू लेटर में एक्सप्लेनेशन है, करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन, यानी लेटिन अमेरिकन कंट्री के करेंसी को कहा जाता है पीसो, जिस तरह से अपने इंडिया के करेंसी को हम लोग रुपया कहते हैं। तो कहा भाई मुझे 100 pesos चाहिए, अब क्या करना है, तो बता दिया, कारण भी बताया, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, इन ऑर्डर टू फ्रेज है जिसका अर्थ होता है के लिए, तो किस लिए, इन ऑर्डर टू सो, SOW, ये याद रखना, ये वाला जो शब्द है ना SOW, सो SOW सो, ये जो सो है इसका अर्थ होता है बोना, बीज जो किसान बोता है ना खेत में उसको कहते हैं सो। तो कहा इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव, और टू लिव यानी जिंदा रहने के लिए, कब तक, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक नई फसल आ नहीं जाती है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और
क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, इस ओलावृष्टि ने क्या किया, सब कुछ तबाह कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब उसने क्या किया, ही रोट, उसने लिखा, कहाँ पर लिखा जानते हो, ऑन द एनवेलप यानी चिट्ठी जो लिखते हैं, तो एनवेलप यानी लिफाफे के ऊपर हम एड्रेस लिखते हैं रिसीवर का, जिसको चिट्ठी भेज रहे हैं। तो भाई वो गॉड को लिख रहा था ना चिट्ठी, तो गॉड ऊपर में लिख दिया टू गॉड, जैसे हम लोग पिताजी को लिखते हैं या किसी हेडमास्टर को लिखते हैं तो टू द हेडमास्टर लिखते हैं ना, उसी तरह से उन्होंने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर लेटर को डाल दिया, जो लेटर उसने लिखा था एनवेलप के अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और कहता है फिर भी ट्रबल्ड यानी कष्ट उठाता हुआ वेंट टू टाउन, शहर को गया बेचारा, क्योंकि डाकघर तो गांव में नहीं हुआ करते हैं ज़्यादातर, तो वे बेचारे जाते हैं टाउन में, एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। क्या किया उसने, एक टिकट चिपका दिया लेटर के ऊपर, अर्थात लेटर नहीं कहें हम, एनवेलप के ऊपर, लेटर तो अंदर भर चुका है हुआ, तो थोड़ा सावधानी से हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे। एनवेलप के ऊपर उसने एक स्टाम्प चिपकाया और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। ऑन द वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब देखिए पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनमें से एक ऐसा इंसान था उस पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन का भी काम करता था और कुछ दूसरे कामों में भी मदद करता था। तो वह एम्प्लॉई बहुत ही दिल से हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है, वेंट टू हिज बॉस यानी जो डाकघर का पोस्ट ऑफिस का बॉस होता है ना, उसको पोस्ट मास्टर कहते हैं। तो पोस्ट मास्टर के पास गया और जो लेटर टू गॉड है उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब बेचारा पोस्ट मास्टर भी हैरान रह गया इस एड्रेस को देखकर। एड्रेस क्या था, मैंने पहले बताया था ना, लेंचो ने एनवेलप के ऊपर क्या एड्रेस लिखा था, टू गॉड। तो भाई आज तक इस तरह का एड्रेस वाला कोई लेटर उनको देखने को नहीं मिला था, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अब द पोस्ट मास्टर देखिए कैसा है, ए फैट एमिएबल, फैट है और एमिएबल है, एमिएबल मतलब फ्रेंडली मैनर का जो होता है, दोस्ताना स्वभाव वाला आदमी, हंसमुख मिजाज का, ठीक है। ये एमिएबल शब्द जो है आप याद रखना, एमिएबल शब्द ये वाला, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। तो वह पोस्ट मास्टर जो था कैसा था,
एमिएबल फेलो था, हंस मिजाज व्यक्ति था, फ्रेंडली यानी दोस्ताना व्यवहार करने वाला आदमी था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगली लाइन। एमिएबल फेलो लिखा हुआ है, फेलो मतलब पर्सन, व्यक्ति, इंसान। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देख करके हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। लेकिन तुरंत वह जो है सीरियस हो जाता है। सीरियस मतलब यहाँ सीरियसली कोई बीमार वगैरह नहीं हो गया, उस लेटर को देख के जो पहले हंस रहा था ना, उसको मजाक समझ रहा था, लेकिन वह गंभीर हो गया उस लेटर को देखकर। फिर लेटर को उसने टेबल पर रख दिया और फिर कमेंट किया उसमें, यानी उसके बारे में टिप्पणी की। कमेंट करना, आप लोग सुनते हैं ना, कमेंट कर दीजिए। कमेंट करना क्या हुआ, ये जो कमेंट है ये शब्द याद रखना, कमेंट टिप्पणी करना, यानी किसी के बारे में अपनी राय देना, अच्छा है ख़राब है। तो उसने क्या कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश I had the faith of the man who wrote this letter. What faith? Not of exclamation है dear students, ध्यान देना। What faith मतलब great faith, यानी कितना बड़ा विश्वास है इस आदमी को, किसके प्रति, God के प्रति, God पर कितना विश्वास है इसको। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कहा काश मुझे भी उस मैन जैसा फेथ होता, किस मैन जैसा, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह लेटर लिखा, स्टार्टिंग अप ए करेस्पोंडेंस विथ गॉड, और ऐसा लेटर लिखा है जिसमें वह गॉड के साथ करेस्पोंडेंस कर रहा है। गॉड के साथ करेस्पोंडेंस शब्द यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखना, ये जो करेस्पोंडेंस शब्द है यहाँ पर, ये करेस्पोंडेंस आप इसको याद रखिएगा, ये करेस्पोंडेंस हुआ पत्राचार, पत्र व्यवहार। तो कहा कि करेस्पोंडेंस करना चाह रहा है, यानी पत्र व्यवहार करना चाह रहा है, वह भी गॉड के साथ। कितना गहरा विश्वास है उस आदमी को गॉड के प्रति। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए कहता है नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वह जो राइटर है, पत्र का लेखक है, कौन है, लेंचो है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू, फिर आया ना इन ऑर्डर, इस बार नॉट है लगा हुआ, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मतलब हिलना, डिगना, कि इस राइटर का फेथ, इस राइटर का विश्वास ना डिग जाए, ना हट जाए गॉड में, भगवान के प्रति इसकी निष्ठा, इसका विश्वास खत्म ना हो। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया निकाला, एक उपाय सोचा। उपाय क्या, आंसर द लेटर, कि लेटर का आंसर करना है, लेटर का जवाब देना है। बट व्हेन ही ओपेंड इट, अभी तक ओपन नहीं किया था लेटर को, डियर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, अब लेटर को ओपन किया, खोला यानी एनवेलप से बाहर निकाला लेटर को। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल
इंक एंड पेपर। लेटर को बाहर निकाल के जब पढ़ता है तो उनको पता चलता है कि इसका आंसर देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर से काम नहीं चलने वाला। यानी कोई साधारण लेटर नहीं था जिसमें केवल बात कर लें, कुछ आश्वासन दे दें, गुडविल दे दें, इंक और पेपर खर्च होगा, ऐसा नहीं था जी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने फैसले पर डटा रहा। स्टक मतलब डटा रहना, दृढ़ रहना, अपने फैसले पर वह दृढ़ रहा। स्टक शब्द याद रखना, स्टिक होता है ना, स्टिक, स्टक उसी का बना हुआ है, V2। स्टक वह डटा रहा टू हिज रिजोल्यूशन। और एक नया शब्द यह भी है आप लोगों के लिए, रिजोल्यूशन, ये समाधान या निर्णय जो कहिए। ही आस्क फॉर मनी, एक और फ्रेज यहाँ आया स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान में रखना। ये जो है ना आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज से भी पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसने दिया। ही उसके बाद देखिए क्या है, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर, और उनके कई दोस्त जो थे, सेवरल फ्रेंड्स, उनके कई दोस्त वेयर obliged to give something for an act of charity. इस act of charity, act of charity क्या होता है? Act of charity मतलब पुण्य का काम, उसको हम हिंदी में बोलें तो नेक कार्य, ठीक है, भलाई का कार्य। तो इस act of charity में उनके कई दोस्तों ने दान देकर क्या किया, ओबलाइज्ड किया अपने आप को, अपने आप को पुण्य का भागी बनाया। ध्यान रखना जो भी वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको लिखते जाना कॉपी पर। चलिए, तो कई दोस्तों ने एक्ट ऑफ चैरिटी में दान देकर अपने आप को ओबलाइज्ड किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। लेकिन बेचारा पोस्ट मास्टर पूरा का पूरा 100 pesos जुटा नहीं सका। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, कितना भेजा, हाफ से कुछ ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, इन्वेलप के अंदर ही पैसे को डाल दिया उसने। एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। अब देखिए क्या हुआ, पोस्टमास्टर भी अपना एड्रेस नहीं दे रहा है कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बात है ना, उस लेंचो को ये एहसास हो कि गॉड को लेटर लिखा है तो गॉड ने ही पैसे भेजे हैं, तो उसने सिग्नेचर के तौर पर लेटर के नीचे गॉड लिखा और भेज दिया पैसे उस फार्मर को यानी लेंचो को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद करेंगे। जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, पार्ट 3।
और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में, यदि आप उनके संपर्क में हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर है, आप उन्हें अवश्य शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जब ताकि जब भी मैं वीडियो कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी तुरंत जानकारी मिल जाए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। जय SDN।